बैंकों के बाहर, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, लंबी लंबी लाइन लगी है, कतारें लगी हैं, लोग, कई लोग जिन्हें करेंसी की ज़रूरत है वो आज दफ्तर और बाकी काम छोड़कर अपने करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं। आइए जानते हैं कितने बजे से खड़े हैं आप। 8 बजे से। 8 बजे सुबह से? हाँ, सुबह के आगे 8 बजे आ गए थे। अभी 1:15 बज रहे हैं। हाँ, पहले निकल गए थे, अब खाना वाना पी के जब आए हैं दोबारा। दोबारा लाइन में फिर आए? दोबारा लाइन में आए। तब तो पीछे हो गए होंगे आप। क्या करते, पीछे नंबर आएगा मैडम, और क्या होगा। आप ये कागज कौन कौन से लेकर आए? एक तो आईडी प्रूफ दिया है। हाँ। और एक इसका फॉर्म है। एक ये लंबी कतार है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, यानी सरकारी बैंक के लिए, और दूसरी तरफ ये लाइन है जो प्राइवेट बैंक के लिए लगी हुई है। HDFC बैंक के कस्टमर हैं यहाँ पर। लोगों को करेंसी की ज़रूरत है, चूँकि पिछले 2 दिनों में उन्हें उनके जो भी करेंसी थे वो जो एक्सचेंज कर पाए थे वो ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अब जो लाइन लगी है उसमें कहा जा सकता है कि जिस तरह की इस योजना को लाया गया उस हिसाब से मैन पावर बैंक में नहीं दिए गए हैं, और इसी वजह से काउंटर्स भी अतिरिक्त नहीं बनाए गए हैं। हालांकि बैंक दावा कर रहे हैं कि कई काउंटर्स बनाए गए हैं कस्टमर को डील करने के लिए, बावजूद जो वास्तविकता हकीकत हमने देखा पिछले बैंक में, उसमें मात्र एक काउंटर से ही तमाम नागरिकों को डील किया जा रहा था, ना ही महिलाओं के लिए कोई अलग लाइन, सिर्फ एक काउंटर से पैसे दिए जा रहे हैं। यस। इतने लोगों की लंबी लाइन में सिर्फ एक काउंटर से SBI डील कर रहा है? एक काउंटर से पैसे दे रहे हैं, एक में डिपॉजिट हो रहा है। दो काउंटर में काम हो रहे हैं, जिनमें एक में पैसे लिए जा रहे हैं और एक में दिए, एक में एक्सचेंज, एक में विड्रॉल, एक में डिपॉजिट। जाहिर सी बात है अलग अलग काउंटर्स 3 बनाए गए हैं इनका कहना है, लेकिन विड्रॉल के लिए, एक्सचेंज के लिए तमाम एक ही काउंटर हैं। और यहाँ तक कि गार्ड्स मिसबिहेव भी कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो, महिलाएं हो, सबके साथ उनका कहना है कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ऐसी घटना हुई जिसमें लोगों पर गोली तक तान दी गई गार्ड के द्वारा। अब ये था SBI बैंक का नज़ारा, आप देख सकते हैं इधर HDFC के बैंक के लोग लाइन में लगे हुए, वहाँ भी कमोबेश अगर देखा जाए तो यही हालत सुबह से बनी हुई है, लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। आइए जानते हैं क्या। सुबह 6 बजे से खड़े हुए हैं। आप लोग कब से लाइन में खड़े हैं? हम लोग 9:40 में आए थे और अभी 12:30 हो रहा है। अभी ये गेट बंद क्यों है? नहीं, गेट बंद है बिकॉज 3 बंदे अंदर जा रहे हैं। 10-10 एक घंटे में 3 बंदे? हाँ, नहीं 3 नहीं, पर हाँ 8-9 बंदे जा रहे हैं अंदर। क्या एक्स्ट्रा काउंटर्स ऊपर नहीं बनाए? नहीं, इन्होंने बहुत दो काउंटर बनाए हैं जिसके लिए सारी प्रॉब्लम। दो तो आए हैं मैडम। दो यानी एक एक्सचेंज के लिए और एक डिपॉजिट? एक डिपॉजिट और एक्सचेंज। हमें पता नहीं, ऊपर जाएंगे तभी पता चलेगा। ऊपर जाएंगे तभी पता चलेगा। यानी कि स्टाफ की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं? स्टाफ वाले बेचारे आ रहे हैं नीचे हमारे पास, कहते हैं दे आर कोऑपरेटिंग, वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग परेशान है बिकॉज वर्क थोड़ा स्लो हो रहा है ऐसा लग रहा है। महिलाओं या सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग लाइन नहीं? नहीं, कोई अलग लाइन नहीं सीनियर सिटीजन, वो लोग तो वापस लौट रहे हैं और महिलाएं भी खड़ी हैं 3 घंटे से। अब इन तमाम बातों से अलग हटकर अगर हम आपसे ये पूछ जानना चाहें कि ये स्कीम जो सरकार ने ये कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग जो सफर कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ऑल राइट, थोड़ा टाइम लगता है सिस्टम, ये इट्स अ टीथिंग प्रॉब्लम, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम इतना झेलने के लिए तैयार हैं। पर तमाम दिक्कतों परेशानियों के बाद एक अच्छी बात जरूर है कि लोग इसे एक अच्छी योजना मान रहे हैं और सरकार का ये एक अच्छा कदम बता रहे हैं, ताकि शायद उन्हें फौरी तौर पर भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़े लेकिन आगे आने वाले दिनों में काले धन पे कहीं ना कहीं एक रोक जरूर लगेगी, ऐसी उम्मीद है लोगों में। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ अनामिका रत्नाकर।